ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोतृत्वक चक्षुर्जिह्वा घ्राणाख्यानि। ज्ञानेन्द्रिय पांच कौन है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा मन रसनेन्द्रिय, घ्राण और नाम से कहे जाते हैं आख्यानि नाम से। ये सब सात्विक अंश से पैदा होते हैं। इसे टीकाकार कहते हैं सात्विक अंशात आकाशात श्रोत्र उत्पद्यते, सात्विक अंशात वायोर त्वक इंद्रियम, सात्विकांशात तेजस चक्षु, सात्विकांशात जलात जिह्वा, सात्विकांशाय प्रतिव्याहासकाशात घ्राणेन्द्रियं चेति क्रमेण उत्पद्यन्ते इत्याह एतानि इत्यादि। एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्य व्यस्तेभ्य पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये जो है एतानि आकाशादियों के सात्विक अंशों से, इन पंचीकरण के पश्चात नहीं, इसे व्यस्तेभ्य हो, अभी समस्त हुए नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं पंच महाभूत, भूत सूक्ष्म जो कहा गया, तन्मात्रा जिसको कहा गया था, वे अलग अलग रहते हुए ही अपने अपने सात्विक अंश से पृथक पृथक क्रमेण इन इंद्रियों को के रूप में विवर्त हो जाते हैं। सर्वत्र पद्य उत्पद्यंत कर दिया है विवर्तन्ते। बुद्धिर्नामा निश्चयात्मिकांतकरण वृत्ति, मनोनामा संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण वृत्ति, अनवरेव चित्त अहंकार योर अंतर्भाव। बुद्धि किसको कहते हैं? उसको बता रहे बुद्धिर्नामा कि वास्तव में निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति का नाम बुद्धि। क्या है निश्चय? ये लौकिकी व्यावहारिकी वस्तुओं के निश्चयात्मिक ज्ञान को बुद्धि में लेना आवश्यक नहीं है। इन वेदांत सिद्धांत के अनुसार निश्चयात्मिक वृत्ति एक ही है, ज्ञायो ब्रह्मैवाहमिति। से टीकाकार कह रहे ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मिक अंतकरण वृत्ति रेव बुद्धिरित्यर्थः। अन्य जो निश्चयात्मिक है उसको भी बुद्धि के अवान्तर भेदों में ले लेते हैं। मुख्य निश्चयात्मिक वृत्ति जो हमारी ब्रह्मैवाहमि हुआ कर, और मन का लक्षण क्या है? अहम चिद्रूपो देहो वा इति, मैं चिद्रूप हूँ या देहादि वाला हूँ, इस प्रकार के संशयात्मक अंतर्गण वृत्ति रेव मन। संशयात्मक अंतर्गण वृत्ति का नाम मन होता है। स्मरणात्मक चित्तस्य और गर्वात्मक अहंकार से च बुद्धि मनसोर अंतर्भाव। स्मरणात्मक जो है ज्ञान विशेष स्मृति, ज्ञान दो प्रकार स्मृति अनुभवश्च। अभी जब निश्चयात्मिक ज्ञान को बुद्धि में ले लिया तो स्मृति को भी बुद्धि में डाल दो, चित्त को, स्मृत्यात्मक है चित्त वो चला जाते इसलिए बुद्धि में, और गर्वात्मक अहंकार है इसलिए वो चला जाएगा मन में। इस प्रकार से अंतर्भाव कर लेना चाहिए। यदि भी अंतकरण इतने चतुर्णाम एकत्वम तथा एक शिव पुरुष से पाचक पाठक इत्यादि वृत्ति वेदाद भेदवद एकस्यापि अंतकरण से निश्चय संशय स्मरण अहंकार विषय भेद ही बुद्धियादिपदित्यर्थ। यद्यपि अंतकरण एक है, दो भी नहीं है बुद्धि और मन करके, एक ही है। इन अंतकरण से अंतकरणत्व न अंतकरणत्व धर्म को लेकर के चार माना जाएगा, किंतु वो क्या है? एकत्व। तथापि फिर भी हम क्या मानते हैं? एकस्यैव पुरुषस्य, जैसे लोक व्यवहार में देखते हो एक ही पुरुष है। वो पुरुष क्या है जी? वो अध्यापक भी है, वो पाचक भी है, वेद पाठ करता है वैसे पाठक भी है, वो नहीं पाठी महाराज है वेद पाठी। इस प्रकार से औपाधिक भेद हो जाता है, पढ़ा रहा है तो अध्यापक है, पका रहा है तो पाचक है, वेद पाठ कर रहा है तो पाठक है, दौड़ रहा है तो धावक है, तो अलग अलग नाम से कहा जाता है, लेकिन है वो पुरुष एक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वृत्ति भेद मात्र से ही वृत्ति भेदात भेदवद एकस्यापि अंतकरण से निश्चय संशय स्मरण अहंकार, निश्चय संशय स्मरण और अहंकार विषय भेद ही बुद्धियादि भेद, बुद्धियादि भेद होता है। एते वापस लौटी मूल में, एते पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य मिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते। और ये जो
मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये जो चार चीजें हैं केवल सात्विक अंश उत्पन्न नहीं होते। इनका कहना ये थे पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यो, इंद्रिया कैसी थी व्यस्तेभ्य, अंतरण कैसे हैं मिलितेभ्य, पंचीकृत पंच महाभूतों से अंतकरण की उत्पत्ति। एतेषां चतुर्णां सात्विकांशेभ्य भूतेभ्य उत्पत्तौ निमित्तम् एतेषां इति, एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्व, यदि भी प्रकाशात्मक है इन मिलित के भी सात्विक अंश ही पैदा होगा, मिलित के भी सात्विक अंश ही पैदा होगा क्योंकि सबके सब कैसे हैं प्रकाशात्मक होने से। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक अंश कार्यत्व, सात्विक अंश का एक कार्य है। अब उनकी उपाधि को लेकर कहेंगे इयम बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति, यही बुद्धि रूपी जो अंतकरण विशेष है वह जो ज्ञानेन्द्रियों के सहित व्यवहार करती है तब उसे विज्ञानमय कोश नाम से कहा जाता है, और उसी में ही यह कर्तृत्व भोक्तृत्वादि है। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानत्वेन इहलोक परलोक गामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते, इसी को ही जीवत्वार हो जाता है। नीचे दो पंक्ति पहले देख लीजिएगा, बुद्धे सत्व कार्यत्वात् ज्ञानेन्द्र साहित्येन प्रकाशादिक्याद् ज्ञानमयत्वम, और कोश क्यों हुआ वो आत्माच्छगत्व आत्माच्छादगत्वाच्छ कोशत्व इत्यर्थ, आत्मा के आच्छादक होने से उसे कोशत्व को भी माना जाता है। विशुद्ध बुद्धि प्रतिबिंबित चिदात्मन जीवत्वम, तारस विशुद्ध बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदात्मा है चैतन्य है उसी को जीव नाम से कहा जाता है। ऐसे कैसे वार हो गया उसमें, तब कहते तप्त अयपिंडवद बुद्धियारोपितम चैतन्यम, तप्त अयपिंड है उस अयपिंड में लोहे का पिंड में लोहे की चीज में अग्नि का अध्यारोप हो गया यथा, और फिर व्यवहार क्या हुआ लोहा जलाता है, नहीं हुआ कि अग्नि जला रहा है, उसी पर यहां पर भी हो गया है। वह चैतन्य बुद्धारूढ़ जैसे हुआ, बुद्धि प्रतिबिंबित जैसे हुआ, बुद्धि अवच्छिन्न हुआ, बुद्धि उपाय से उपहित जैसे हुआ, तत्काल ही क्या हो जाता है वस्तुतः जो अकर्तृत्व है अभोक्तृत्व है नित्य है आनंद है अपरिच्छिन्न है अक्रिय है होते हुए भी उसमें भोक्तृत्व कर्तृत्व दुखित्व परिच्छिन्नत्व क्रियावत्व आदि अभिमानेन, सारा अभिमान उसमें होने लगता है। जैसे अग्नि के सारे धर्मों को आप ले लेते हैं लोहा में, उसी प्रकार से चैतन्य में जो है ही नहीं उन सबको चैतन्य में लेंगे, और जो चैतन्य में है उसको उपाधि में लाएंगे, इसी का नाम अन्योन्य अध्यास। स्वर्गादि लोकांतरगामित्वंच, और इतना ही नहीं इस स्वर्गादि लोकांतर के गमन करने वाला भी ये विज्ञान में कोशी होता है, बाकी सब इसके पीछे पीछे चलो गौण है। व्यावहारिक जीवत्व लभते, इसलिए व्यावहारिक जीवत्व का प्राप्ति हो जाता है इसको। अब आते हैं मनोमय कोश, व्यावहारिक को जीव क्यों का, क्योंकि असलियत में है ही नहीं कि ध्यायती व लीलायती व ऐसे ब्रजाण्य को परिषद चार तीन सात में कहा है, वास्तव में ध्यान करता है न क्रिया करता है कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने पारमार्थिक दृष्टिकोण से जीव नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये तो व्यावहारिक तौर पर केवल कह दिया जाता है कि जीवात्मा है। इतने ब्रह्मसूत्र में भी आगे आने वाला है 2333 में कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, आत्मा को हम कर्ता क्यों मानते हैं, शास्त्र का प्रयोजन को सिद्ध करने के, शास्त्र के अर्थ तो नहीं तो शास्त्र में व्यर्थ हो जाएगा, किस लिए शास्त्र, शरीर या जड़ है इसके लिए शास्त्र काम करेगा कुछ,
और आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्त को क्या काम करेगा शास्त्र, वहाँ मुक्त पर लागू होगा क्या शास्त्र? और बद्ध कोई बीच में ना मानो, जड़ है ये, इस पर भी शास्त्र लागू नहीं होगा। फिर इसलिए शास्त्र की सार्थकता के लिए, शास्त्र के अर्थ माने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमें इस आत्मा में ही कर्तृत्व आदि का अध्यारोप करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित दुखित्व आदि सारी चीजें इसमें मानना पड़ता है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोश भवती, मन भी ज्ञानेन्द्र के सहित होकर के मनोमय कोश नाम से कहा जाता है। जब मन को मनोमय कोश कहते हैं, यहां भी ज्ञानेन्द्र साथ में है, फिर मन में ये संशय क्यों हो गया? जैसे ज्ञानेन्द्रियों के सहित बुद्धि निश्चयात्मिका है, ज्ञानेन्द्र के सहित मन संशय प्रधान क्यों हो जाता है? उसके लिए कह रहे देखिए नीचे, सत्वगुण प्रधान मन, मन भी यद्यपि क्या है सत्वगुण प्रधान है, मन और बुद्धि के सत्वगुण की तारतम्यता है, लेकिन मन की अपेक्षा से बुद्धि ज्यादा विशुद्ध सत्व है और मन में किंचित न्यूनता है। इसलिए बुद्धि जैसे निश्चयात्मिका है वैसे मन निश्चयात्मक नहीं हो पाता है। सत्वगुणांशेभ्यो जातम, क्योंकि पांचभूतों के सत्गुणांशों से उत्पन्न श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्र के सहित सन मनोमय कोश इत्यर्थ। यहाँ पर पूर्वोक्ति समझना, आत्मा के आच्छादक होने से इसको कोश कहा जाता है और मन प्रधान होने के कारण से मनोमय, मन के प्राचुर्य प्रवृत्ति होने से मनोमय कहा जाएगा। निश्चयात्म वृत्ति की प्रचुरता से आपने विज्ञानमय कहा, इस संशयात्मक प्रचुरता के कारण से इसका नाम मनोमय रहेगा। और कोशत्व इसलिए है क्योंकि आत्मा का आच्छादक होने से, ये भी आत्मा का ही आच्छादक है। सबसे पहला आच्छादक आनंदमय कोश आया, उस तदनंतर विज्ञानमय कोश, अन्य कोश की अविद्यावचन चैतन्य और बुद्धिवचन चैतन्य विज्ञानमय, मनोवचन चैतन्य मनोमय, उत्तरोत्तर वो स्थूलता को प्राप्त होते जाता है, मल बढ़ते जाता है, विक्षेप बढ़ते जाता है। मल विक्षेप के कारण से इनमें स्थूलता हम लोग स्वीकार करते हैं। अतर्त मना सत्वोपेत रजो विकार, इसलिए बता रहे कि यद्यपि सत्व का कार्य है मन भी, फिर भी वहां थोड़ा रजोंश अपना काम करना शुरू कर दिया। बुद्धि में केवल सत्वंश काम कर रहा था, रजोंश तमांश अत्यंत अभिभूत था। अब मन में क्या हुआ, सात्विक अंश से उत्पन्न होने के बावजूद भी थोड़ा रजोंश अपना कार्य करने लग गया, ये न्यूनता। अब आगे आगे क्या होगा, रजोंश बढ़ेगा फिर तमोंश भी बढ़ेगा, अन्नमय कोश में तो पूरा तमोंश बढ़ गया है, इसे खाना और सोने के लिए और सोचता क्या ही है, मजबूरी है बेचारे को इधर उधर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, नहीं तो बस खावे और सोवे, खावे और सोवे, तमोगुण नहीं तो रह गया, काम करना पड़ता है, क्या करे, ना करे तो लोग क्या कहेंगे, हैं भैंस जैसे सोता है लोग कहेंगे ना, हैं सुअर जैसे खाता पीता पड़ा रहता है, इस मजबूरी से वो अपमान ना हो बदनामी ना हो तो थोड़ा बहुत काम करते, घर पढ़ लिख लेते चलो चले जाते सत्यम साधना कुटीर, दो घंटा पढ़ के आ जाते। तो इसलिए कहते देखो सत्वोपहित रजो विकार इच्छा रूपत्वात् संकल्प विकल्पात्मकत्वेन, रज का विकार ये इच्छा आ गई है मन में, इस कारण से ये संकल्प विकल्पात्मक हो जाता है। अद्भुत अपेक्षा जाढ़ आधिक्यात्, बुद्धि के पेशा से मन में जड़ता बढ़ती जा रही है। मनोमयत्म आत्मा जगत्वात् कोशत्वम् इति भावः। अब रजोगुण बोल, रजोगुण प्रधान पंचभूतों के कार्य बताने जा रहे हैं। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणि पाद पायुपस्थाक्यानि, कर्मेन्द्रिय कौन से हैं, वाणी, पाणि मने हाथ, पाद मने पैर, पायु मने गुदा,
उपस्मन जन्येन्द्रियो एतानि पुनर आकाशद रजोंशेभ्यो व्यस्थेभ्यो पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये भी क्या है, आकाश आदि के रजो अंश से, रजो अंश प्रधान हो गया, देखो अब सत्व थोड़ा गौण हो जाता है, रजो अंशेभ्य ओ भी व्यस्तेभ्य न सम्मिलितेभ्य अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजो अंश से अलग अलग क्रमशः उत्पन्न हो जाते हैं, और इनके मिलित से क्या उत्पन्न होता है, प्राण उत्पन्न होता है, और प्राण भी एक होता हुआ पांच नाम वाला बाद में उपाधि के वजह से हो जाता है। अच्छा, पांचों भूतों के मिलित रजोंश का कार्य प्राण है। वागे कह रहे वाय वह प्राण अपान व्यान उदान समान प्राणो नाम, उसमें भी प्राण किसका नाम इत्यादि बताएंगे। वाय वह प्राण अपान व्यान उदान समान पंचवायु प्राण अपान व्यान उदान और समान नाम से उत्पन्न हो जाता है। ये पंचीकृत पंच महाभूत के रजोंश का मिलित का कार्य है। और ये रहता कहाँ है, प्राण जो है हृदय में कहेंगे। यद्यपि प्राण एक एव उपाधि भेदात पंच भवती, यद्यपि प्राण एक ही है उपाधि भेद से पांच हो जाता है। प्रमाण क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद 1.5.3 में कहा प्राणो अपानो व्यान उदान समानो अन एव। ये पांचों क्या है, अन माने प्राण एव, अन प्राण अन धातु है, प्रोपसर के कारण से प्रदन अन हो जाता है, कसर जरूर की प्राण दंत ने कार को रिफे कारण से मूर्धन्य हो गया, प्राण प्रयोग हो जाता है, अन प्राण अन धातु है, ये सब अनएव मैने प्राण एव। पांच नाम भले लिया जा रहा है, प्राणो अपानो व्यान समान उदान है, अनएव बृहदारण्यक 1.5.3 का। और उपाधि क्या है फिर, प्राणो हृदय है, तैतृ ब्राह्मण में वर्णन किया जिसको कोशकार ने वो सुंदर ढंग से गिना दिए, हृदय प्राणो गुदे अपाना इत्यादि। स्थान रूपी उपाधि है हृदय आदि, क्या है स्थान रूपी उपाधि, और यह वर्णन करने जा रहे हैं आपको क्रिया रूपी उपाधि को नीचे टीका में, ऊपर में भी प्राणो नाम प्रागमनवान नासाग्रस्थानवर्ती, पूर्व दिशा की ओर प्रमुखतया प्रवाहित होने वाला और जो है नासा के अग्रभाग में स्थित रहने वाला नासाग्रस्थानवर्ती। नीचे कहेंगे टीका में साथ साथ एक एक पंक्ति देते ही जाइए, देखिए ऊर्ज गमनशील नासाग्रस्थाई वायु प्राण इत्यर्थ, ऊर्ज गमन स्वभाव वाला है, नासाग्रम विशेषत्व स्थित है, ऐसे वायु का नाम प्राण करके कहा जाता है। तैत्र ब्राह्मण में आया है 3.10.8.5 में इन उपाधियों का स्थान बताते हुए कहा प्राणो हृदय इत्यादि। अपान से लक्षण अपानो नाम मैंने अधोगमनशील मूलगार अपानो नाम अवागमनवान पायवाद स्थान वर्ती, नीचे की ओर प्रवाहित होने के स्वभाव वाला है और अधिकतर पायु स्थान में उसका स्थिति है। अधोगमनशील पायवाद स्थायी वायु अपान इत्यर्थ। व्यानो नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती, वायु जो है सर्व दिशाओं की ओर फैलने वाला है, कि उत्तर ही नहीं पूर्व ही नहीं नीचे ही नहीं ऊर्ध्व और अधा ही नहीं है, बल्कि सभी दिशाओं की ओर व्यान फैलता है, और वह क्या करता है अखिल शरीरवर्ती संपूर्ण शरीर में वह व्याप्त है। सर्वनाड़ी गमनशीलो अखिल शरीर स्थायी वायुर्व्यान इत्यर्थ, सकल नाड़ियों के अंदर गमन करने के स्वभाव वाला है और अखिल शरीर में स्थित है, उसका नाम व्यान वायु है। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमन वायु अनुत्क्रमण वायु ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, उदान क्या है कंठस्थानीय है,
और ऊर्ध्वगमन के स्वभाव वाला है और निरंतर उत्क्रमण करने की प्रति कारण होता वायु है। जन्म जन्मांतर को प्राप्त करने जीव के उत्क्रमण के प्रति मुख्य कारण है यह उदान वायु। नीचे कहते ऊर्ध्वम उत्क्रमणशील, एक ऊर्ध्व गमनशील अलग है, ऊर्ध्व उत्क्रमणशील अलग है। प्राण के लिए क्या कहता, ऊर्ध्व गमनशील, और यह ऊर्ध्व उत्क्रमणशील, दोनों में अंतर है। कंठस्थाई वायु उदान इत्यर्थ, प्राण के कारण से उल्टी नहीं होता लेकिन उदान के कारण से उल्टी होता है। उल्टी का कारण अन्न जो खाया पिया को ऊर्ध्व को चला देता है, फेंक देता है। अब समान अंत में रह गया, समानो नाम शरीर मध्यगत अशित पीतान्नादि समीकरण ग्रह, शरीर के मध्य में स्थित है, खाए पिए अन्न को पचा करके पूरे शरीर में उसको पहुंचाना का काम समान वायु का है। समान इति। अब आता उपप्राण, कुछ योग के संबंधी उपनिषद ग्रंथों में योग के कुल 22 उपनिषद माने जाते, योग के ही केवल है 22 उपनिषद, उनमें से कुछ उपनिषदों में उपप्राणों की भी चर्चा है। उसे देखे चित्तू नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजयाख्या पंच अन्य वायव संतीति वदंती। नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय नाम के और भी अन्य पांच उपप्राण नाम से कहे जाने वाले वायु विशेष होते हैं, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। तथा नाग नाग वायु का काम क्या है, उद्गीर्ण कर, उद्गीर्ण कर, उद्गीर्ण कर, दीर्घ होना चाहिए, उद्गीर्ण कर माने उल्टी कराने वाला, उल्टी कराने वाले का काम, उसका नाम नाग है। उसको उदान वायु में भी डाल दीजिए, अलग मानने की जरूरत नहीं, उसको उदान वायु में डाल सकते हैं कि ऊर्ध्वमुख वायु का जो है क्रिया देखी जा रही है। जो वायु अंतस्थ है वो ऊर्ध्व मुख की ओर आता हुआ बहिर्गमन करने के लिए अन्नादि सहित हो रहा है, उसी का नाम आपने कहा है उद्गीर्णम, ये उदान वायु का काम है। इसीलिए नाग को उदान वायु में अंतर्भाव किया जा सकता है। कूर्म उन्मीलन कर, कूर्म वायु का काम क्या है, आंकों का जो है पलकों का गिराना उठाना, उन्मीलन निमीलन कार्य जो होता है वह आपने माना है कूर्म वायु का। इसको व्यान वायु में डाला जा सकता है कि अंगों के अंतर संकोच विकासशाली चेष्टा करने का काम है व्यान वायु का, अतएव उस व्यान वायु के अंतर्गत चला जाएगा यह कूर्म वायु, उसमें अंतर्भाव हो जाएगा। क्या व्यान वायु काम ही है ना, संकोच विकासशाली होता है, नाड़ी मुख वितन नाथ कहा था ना तर्क संग्रह में, नाड़ी के मुखों को खोलता है ताकि उसके अंदर खून आदि सब चीज बहे ढंग से, अतः पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है। ये शरीर में पूरा है नाड़ी जाल, सर्वत्र इसलिए वायु रहता है, और ये जो व्यान वायु है ये इसलिए कहाँ है, इन आंग के पलकों में भी है, यहाँ की नाड़ियों में भी प्रवाहित कर रहा है, वहाँ की चेष्टा के पीछे वो व्यान वायु कारण हो जाता है। इसलिए जो है व्यान वायु के अंतर जिसका अंतर्भाव किया जा सकता है। क्रिकला क्षुत कर, क्रिकल वायु मानते हैं, तीसरा भूख और प्यास को बढ़ाने वाला मानते हैं, इसको समान वायु में ले सकते हो आप, अलग मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अशित पीतादियों को पाक के द्वारा रसादि भाव आपादन करके संपूर्ण शरीर में प्रतिष्ठित करने का काम किसका है, प्रवेशित करने का काम किसका है, समान वायु का। और जब ये प्रविष्ट हो जाते हैं, समान इस पर सब जगह प्रस्थापित कर देता है, तभी वास्तव में नाड़ियों में जब रस चला गया अंदर भूख चालू हो जाता है। यदि पेट में पानी भरा रहे भूख लगेगा, पेट में माल भरा रहे भूख लगेगा क्या, आप कहेंगे नहीं भाई फुल, ये एक लड्डू खा लो, नहीं नहीं यहाँ तक आ गया और नहीं,
आज बच जाए, पूरे शरीर में चला जाए रस, लाओ लाओ माल लाओ, क्या है माल, अब भूख लगी। इसे स्पष्ट है समान वायु की ही भूख के भी कारण। अतः क्रिकर नामक अलग वायु को माने क्रिकल या क्रिकर अलग वायु माने कोई आवश्यकता नहीं है, इसको समान वायु में अंतर्भाव किया जा सकता है। देवदत्त जृंभण ग्रह, देवदत्त का काम के वायु का काम बता रहे हैं जंभई करना, मुंह खोल देना आलस में जंभई करते हैं, उसको कहते हैं आप कहते हैं देवदत्त नाम से कह रहे हो, अलग वायु मानो कोई जरूरत नहीं, ये अपान वायु का ही काम है। जो वायु नीचे से जाना चाहिए था वो ऊपर से निकल पड़ा, अपान वायु ने क्या किया, जिसको नीचे ढकेलना था उसको ऊपर जाने दिया। ये अपान वायु का ही काम है, निद्रा आती है, आलस्य आती है, जंभय होता है, ये सारी चीजें अपान वायु का काम होने से इस देवदत्त वायु को अपान वायु में अंतर्भाव कर देना चाहिए। और कहा भी है जो कुछ भी हम ग्रहण त्याग करते हैं ये अपान वायु के कारण से ही है। ऐत्रेय प्रसंग में आया था, उनके सामने सबके सामने भोजन रख दिया, वाणी से भोजन पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ सका। यदि वाणी से भोजन ग्रहण कर लिए होते आजकल वाणी के अंदर व्याख्या करते भोजन का पेट भर जाता, वायु के अंदर भाषण दो सबका पेट भर जाए सुनने वाले, नहीं होता। इसे अर्थात हम वाणी से ग्रहण नहीं कर पाए। इसी प्रकार सूंघ के हम अन्न को ग्रहण कर लेते, आज सूंघ सूंघ के पेट भर जाता, खाने की जरूरत नहीं थी रोटी इत्यादि कहते कहते उन्होंने अंत में क्या कहा, तद अपानी न जिग्रक्षत तद आवयति। अंत में वह आत्मा ने निश्चय किया इस अपान वायु को इस्तेमाल किया जाए ताकि हम इसको पकड़ सके, ग्रहण कर सके। तब वह आत्मा ने अंदर में जो डाला अन्न अंदर टिक गया कि अपान उसको कैच कर लिया। ना क्रिकेट में मार देते तो कैच करता है, ऐसा प्यासा करके डाल देता टक करके पकड़ लेता, वो छोड़ दे तो फिर वापस आ जाएगा बाहर, वो छोड़ता नहीं वो पकड़ लेता है। जैसे कैच भी होता है ना, कई बार हाथ लगा दे उछल जाता है, पकड़ में नहीं आता है, पकड़ने कोशिश करता है। वैसे यहाँ भी होते कई बार डाला हुआ जब बाहर आ जाता है क्योंकि पकड़ने कोशिश करते पकड़ता नहीं। अपान वायु ये अपान वायु का काम है, इसलिए उसी का नतीजा है आपके जो आलस आदि अतएव कहते हैं उसको उसमें ले लीजिएगा। और धनंजय पोषण कर, धनंजय पोषण करने के स्वभाव वाला है बोलते हैं, और पोषण करना ये समान वायु का ही काम है। ये समान वायु बिगड़े तब ना जो अन्न का पाक होकर जो रस है वो तो शरीर में सम्यक प्रकार से जाएगा नहीं, सर्वत्र पहुंचेगा नहीं, तो पुष्टि नहीं रहेगी शरीर में। इसे पुष्टि करना शरीर का यह कर्म था समान वायु का, अतः धनंजय को समान वायु में अंतर्भाव कर देनी चाहिए। रस लोहित मांसादि क्रमेण शरीर में अन्न परिणाम सती एव क्या होता है पोषण संभव, अतएव इसको समान वायु में अंतर्भाव किया जाए। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादि पंचविति केचित्, इसलिए हम इनको प्राणादि के में ही अंतर्भाव कर देने से प्राणादि पांच ही हैं, ये दस नहीं हैं। इसके बारे में नीचे दिया है श्लोक भी, गोरक्षाष्टक का 35-36वां श्लोक दिया है, यद्यपि योग्य उपनिषदों का भी दे सकते थे। उद्गारे नाग आख्यात पूर्व उन्मीलने स्मृत कृकलस्तु क्षुति ज्ञेयो देवदत्त विजृंभणे न जहाति मृदंचापि सर्वव्यापी धनंजयो इति। गोरक्षाष्टक 35-36 के श्लोक है। उद्गारे नाग आज्ञात, नाग वायु उद्गरण करने के लिए, कौन वायु उन्मीलन के लिए, कृकल या कृकर वायु क्षुत भूख के लिए, देवदत्त वायु विजृंभण आदि के लिए, और सर्वव्याप्य धनंजय वायु मृत शरीर को भी नहीं त्यागता, मृत शरीर का भी पोषण करने का प्रयास करता है। लेकिन वेदांतिनस्तु नागादीनां प्राणशंतर्भावं वदन्ति इत्याह एतेषां विधि, लेकिन योग के अनुसार न चल के वेदांति लोग कहते हैं इन पांच में इसको अंतर्भाव कर दो, दस मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपंचीकृत पंच महाभूतेभ्य रज प्रधानेभ्य प्राणादेव जायन्ति इत्यर्थः।
अपंचकृत पंच महाभूतों के रज प्रदान होकर के अलग अलग प्रत्येक भूत का एक एक यहाँ पर यह वायु उत्पन्न हो जाते हैं और मिलित होकर के एक नाम रख दिया जाता है प्राण नाम से। इधर प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोश भवती। ये जो प्राणादि पंचक है कर्मेंद्रिय सहित होकर के ये प्राणमय कोश नाम से कहा जाता है। तो ये प्राणादि नाम रज प्रधान भूत कार्यत्व निमित्तम वा इत्यस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंश कार्यत्वम्। जैसे ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि अंतकरण को सत्व का कार्य माना, ये कर्मेंद्रिय और प्राणों को रजोगुण का कार्य क्यों मानते हो? क्योंकि ये कार्य को देखने से निर्णय होता है कारण के बारे में। कार्य क्या हम देख रहे हैं? पंच प्राण क्या है? क्रियात्मक है, कर्मेंद्रिया भी क्रियात्मक है, अतएव क्रियात्मकता इनको देखते हुए इनके कारण निश्चित रूप में रजोंश है, ये निर्णय हो जाता है। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप। अब अन्वय कोश विज्ञान है, लेकिन इतने में कह दिया इन्होंने एतेषु कोशेषु मध्ये, इन पंच कोशों के मध्य में जो विज्ञानमय कोश है वो ज्ञान शक्ति वाला और कर्तृरूप है, और मनोमय कोश जो है इच्छा शक्ति वाला होकर के कारण रूप है, प्राणमय कोश क्रिया शक्ति वाला होकर के कार्य रूप है, कार्य करण कर्ता तीन हो गया, कार्य करण कर्ता। उसमें भी सूक्ष्म कार्य कहूंगा प्राणमय को और स्थूल कार्य कहा जाएगा अनुमय। कैसे ज्ञान शक्ति वाला मान रहे हो आप? योयम विज्ञानमय प्रधान परिषद में कहा है 4-3-7 में ही, जो वह यह जो विज्ञानमय है, इसे मालूम होता है ज्ञान शक्ति प्रचुर है वहां पर। अतः ज्ञान शक्तिमान प्राचुर में यहां भी मतुभ है, अतः कर्तृत्व माना जाएगा उसको, उसे कर्तृत्व का ध्यारों पर लेंगे। और इच्छा शक्ति वाला कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि श्रुति ने कहा है ना काम संकल्पो विचिकित्सा, ये सब क्या है? ते सर्व मन एव, ये सारा मन का ही मामला है। 1-5-3 का मंत्र है, उसमें बात कही गई है। अतः इच्छा शक्ति आदि प्रधान होता हो यह मन कर्ण रूप माना जाएगा, साधनात्मक है वो। और प्राण में क्रिया शक्तिमान है, इसके लिए भी श्रुति प्रमाण गया है कस्मिन् अहम् उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, ऐसे पूछा जीवात्मा ने कहा वे किसके रहने पर मैं यहाँ बना रहूंगा, जिसके उड़ने पर मैं को उड़ जाऊंगा, कौन है वो? ऐसे कोई चीज बनाइए सब प्राणम सृजतो, तो उसने प्राण का सृजन किया, मैंने गमनागमन के मूल कारण कौन है? प्राण ही है। प्रश्नोपनिषद 6-3 और 6-4 में यह बात का वर्णन आया है, उस स्पष्ट है प्राण ही एकमात्र वस्तु ऐसा है जो क्रिया शक्ति प्रदान है, अतः उसको कार्य रूप मान लिया गया। मैंने ऐसे विभाग कैसे कर दिया आपने कार्यकरण कर्तृरूपा? योग्यता देवम एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति योग्यत्वात्, योग्यत्वाद एवं एतेषां विभाग, इनकी अपने अपने कार्यगत योग्यता को देखते हुए इनका इस प्रकार विभाग करना पड़ा। कार्यगत योग्यता का निर्णय कैसे कर दिया? कि देखो मन के बारे में क्या बोला, अन्यत्र मना अभवम नाहम अश्रौषम, मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसे मैंने कुछ भी नहीं सुना, ना हम मद्राक्षम कुछ भी नहीं देखा इत्यादि वैज्ञानिक कुछ 1-5-3 में आता है, मन की महिमा को बताते हुए मन की अपनी चंचलता, मन की संकट विकल्पात्मकता, मन की जो है अस्थिरता आदि का स्पष्ट निर्णय दे दिया है। यही मन की योग्यता है, इच्छा शक्ति को लेकर के जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, जहाँ चाहे वहाँ टिके न टिके उसके अपना खेल चलता है। और बुद्धि की योग्यता क्या है?
वह हमेशा दृढ़ निश्चय वाली होती है। निश्चय करने के लिए पराधीन होने पर गड़बड़ा जाती है, पराधीन न हो वह स्वतः निश्चय करने लग जाए बुद्धि, विवेकपूर्वक निश्चय करने लग जाए बुद्धि, फिर संसार खत्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन आपके अपने संस्कार वासनाएं आदि के कारण से लोक वासना इतना ज्यादा प्रबल है और शास्त्र वासना बनने नहीं देता, शास्त्र वासना के अधीन बुद्धि को कार्य करने नहीं देता, किंतु लोक वासना के अधीन बुद्धि कार्य करने लगती है। इस वजह से बंधन ही बंधन में सुख दुख आदि अनुभव होता है। अतएव देख लीजिए, आत्मेन्द्रिय विषयाणाम सन्निकर्षे भी मन सत्येव ज्ञानम नान्यथा। इसलिए आत्मा इंद्रिय विषय सब उपस्थित है, लेकिन फिर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मन है तो ज्ञान उत्पन्न होगा, मन व संबद्ध नहीं हुआ ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। दृष्टांत ही वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा, भाष्यकार ने इशुकारण्याय लाए, इसी का नाम है इशुकारण्याय। इशुकारण ने क्या है, बाण बनाने वाला, बाण बनाने वाला था एक कोई, और एक बार कभी ऐसी घटना घटी, कुछ चोर लोग भागते 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 उसी घर में जगह छिप गए, और पीछे पीछे जो आई हुई जो पुलिस उसको वहाँ पास उठा लिया चोरों को, और साथ साथ उस बाण बनाने वाले को पकड़ा कि तुम ही चोर हो, तुम चोर ना होते या चोर के सरदार ना होते तुमने अपने घर में छिपाया कैसे, पकड़ के ले गए। ले गए तो राजा के सामने प्रस्तुत किया, राजा के पूछा, भाई क्या वास्तव में आप इन चोरों को जानते हो, आप इन चोरों के सरदार हो? उन्होंने कहा, मैं जानता ही नहीं साहब, ये कौन लोग हैं, कब हमारे अंदर घुस गए, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा वैसे तुमको नहीं मालूम? अच्छा मैं तो बाण बनाने में लगा हुआ था, ऐसे मुझे कुछ भी नहीं पता, कब आए कब पीछे पुलिस अंदर घुस गए, उसको पकड़ने के बाद मेरे को जब पकड़ा तब मेरे को होश आया कि हाँ भाई कौन लोग है, कहाँ से, क्या बात है। अरे मेरी बात एक नहीं सुने, आपके बंदे हमको उठा कर लाए। तो राजा को भी लगा कि ये निरपराध है, उसको छोड़ दिए जाओ, और उन दोनों को कारावास में डाल दिया चोरों को। बाद में विचार किया राजा ने, दो चार दिन बाद मंत्री को बोले, चलो उसी शिकार को देखते हैं क्या वास्तव में वो इतना एकाग्र हो जाता है, मन को बाण में इतना लगा के रखता है कि कौन आ रहे कौन जा रहे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। तो राजा ने पता लगाया कितना बजे कितना बजे तक काम में लगता है, तो उसी हिसाब से उसे काम शुरू के एक घंटे के बाद वहां से बाजा गाजा के साथ जबरदस्त चलते, और वहीं खड़े हो जाते हैं, खूब बाजा बजवाते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बजवाते हैं। उसने यूं देखा भी नहीं उनका, फिर पास में खड़े हो गए, उसको पता नहीं, अंदर चले गए, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं। अंतर उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, तब वो देखा, हो राजा साहब स्पष्ट हो गया निरपराध है। इशुकारण न्याय के तात्पर्य निरपराध तो सिद्ध करने में नहीं है, मन जहां लगता है उतने की वो ज्ञान करता है, बाकी का ज्ञान नहीं करता। अतः मन ही कारण है सर्व ज्ञान के प्रति, अतः मन प्रधान ही, मन रूपी कर्ण प्रदान होकर के ही ज्ञान होता है, इसे मन में कर्णत्व मानना अनुचित नहीं है। और मन की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति सारी क्रियाओं के प्रति प्राणी कारण है, ये प्राण ढीला पड़ जाए मन भी क्या करेगा, वो भी ढीला पड़ जाएगा। अच्छा प्राण क्रिया प्रदान होने से कार्य रूप माना गया, और मन कर्ण प्रदान होने से कर्ण रूप कह दिया, और इन दोनों को इस्तेमाल करता हुआ अहमता को लेकर के भोग के माध्यम सुखी दुखी मानती है कौन, बुद्धि,
इसलिए उसमें कर्तृत्व माना गया है। एतद् कोशत्रय मिलितम सत् सूक्ष्म इत्युच्यते, इन्हीं कोशत्रय को मिला करके विज्ञानमय मनोमय और प्राणमय इन तीन कोशों को मिला करके ही सूक्ष्म शरीर नाम से कहा जाता है। जो शुरू में आरंभ किए थे यहाँ आकर के उसका उपसंहार हो गया वो सूक्ष्म शरीर का।